है, पीयूष है, पिंटू कृष्णा है और आराम से बैठे हैं। मौसम बड़ा बेईमान है, बेईमान तुम आने वाली कोई 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 तो आगे याद को कबूतरों का तो अटक। अब सही है, अब ठीक है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, वाई आर ब्लॉग। कैसा लगा? मजा नहीं आया? हेलो गाइस, गुड नहीं यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, वाई आर ब्लॉग। तो चाय बनाई बढ़िया एकदम, आज थोड़ी चाय हमने कम बनाई है, रोजाना इतनी रहती है बट आज इतनी है, कोई नहीं। चाय के अंदर पार्ले जी बिस्किट आप जरूर ट्राई करें एक बार, बहुत अच्छा लगता है। मैंने ट्राई किया, एकदम मज़ेदार टेस्ट है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये बिस्कुट बहुत ही पुराना है, अभी भी यार इसका टेस्ट मुझे तो वैसा का वैसा लगता है। सबसे फेवरेट बिस्किट अब सबसे फेवरेट बिस्किट अभी के टाइम में हो गए मेरे। आज सुबह थोड़ी बारिश आई थी बट मौसम बढ़िया आज, और वैसे भी आज अपने को कोई जाना नहीं है। आवाज सही आ रही है, हटन देख। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, वाई आर ब्लॉग। और आप और हम फिर से मॉर्निंग के बाद सीधा इवनिंग में, तो सीन ये था मॉर्निंग में आज फुल रेस्ट किया है, एकदम बढ़िया बॉडी एकदम कूल हो गई है। जो भी फेस पे कुछ काम करना था वो किया है, फेस पैक लगाया, स्क्रब किया एंड चारकोल किया, तो फुल एकदम मजा आ गया। मतलब जैसे डेली छुट्टी तो रहती है बट संडे की जो छुट्टी रहती है उसमें मजा ही कुछ अलग है। कि इतने दिन तो छुट्टी रहती है बट एक संडे की जो छुट्टी रहती है उसमें मजा ही कुछ अलग है। मतलब एक रहता यार कि संडे कब आएगा, तो इतने दिन तो लॉकडाउन था तो सब छुट्टी का कुछ पता नहीं चला था, सर हर दिन एक संडे संडे की तरह ही था। बट संडे में एकदम होता है, मतलब वो फील ही अलग होता है, एक दो वाइब होती है एकदम बढ़िया वाली है ये। मतलब संडे का जो फील रहता है ना एकदम बढ़िया, मजा आता है यार। संडे का जो पूरे दिन आज रेस्ट किया, जो भी काम था अपना वो निपटाया और तो कुछ भी नहीं किया। बाकी कल वाले फूड व्लॉग आपने नहीं देखा ना तो जाके देख लेना, बहुत ही मजेदार फूड व्लॉग बना था। और एक भाई ने, हमारे रिलेटिव ही है, उन्होंने कमेंट किया था कि अरे थोड़ा बहुत मारवाड़ी में भी व्लॉग बनाओ, जो हमारी राजस्थानी भाषा है, मतलब हमारे राजस्थान में बेसिकली सब मारवाड़ी बोलते हैं, तो उसी मारवाड़ी लैंग्वेज में मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया कल। तो जाके जरूर देख लेना यार, स्पेशली आपके लिए था, तो जाके देख लो। और भी हमारे सब्सक्राइबर को वो लैंग्वेज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप संडे को यार, मैं ये पूछना चाहता, आपका संडे कैसे जाता है?
जो भी हमारा इस व्यूअर्स देख रहा है इस वीडियो को, तो कमेंट में बताओ आपका संडे, आपका जो संडे है कैसा जाता है। मतलब हमारा संडे तो एकदम फुल क्रिएटिविटी एंड फुल इंजॉय के साथ गुजरता है। बताता हूँ कैसे है। सुबह तो जल्दी उठ ही जाते हैं, मॉर्निंग में ऐसा नहीं हमारा लेट उठने का टाइमिंग है। मॉर्निंग जल्दी उठ के वर्कआउट किया, उसके बाद बढ़िया खाना पीना करते हैं एंड फिर जो भी हमारे पास वेब सीरीज होती है, मूवी है, वो डाउनलोड करके देखते हैं। तो फुल इंजॉय रहता है, ऐसा नहीं है बोरिंग जाता है, फुल एकदम कूल एंड हैप्पी संडे जाता है हमारा। तो अभी भी हैप्पी चल रहा है अभी तक संडे। बाकी जैसे सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, वो फिर थोड़े मुश्किल भरे रहते हैं, क्योंकि उसमें फिर ब्लॉग का जो रहता है एकदम हार्ड, हर जगह लोकेशन सर्च करनी पड़ती है, अब कहाँ पे जाना, अब कहाँ पे जाना, नेक्स्ट कहाँ पे जाना। तो बस यही है, सब आप ही के लिए कर रहे हैं, बाकी सब बढ़िया और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना। चलो अभी शेयर नहीं करता, ये कुछ टाइम के बाद होगा तभी शेयर करेंगे। तो बाकी सब बढ़िया, एकदम मजा आ रहा है। तो चलते हैं नीचे, थोड़ी भगवान की पूजा भी कर लेते हैं, तो चलते हैं यार। चलो फिर, क्योंकि सुबह से रूम में और छत पे, रूम पे और छत पे बस यही काम कर रहे हैं। तो चलो फिर, तो ये है हमारा प्यारा सा मंदिर, एकदम बढ़िया। तो दादा भी संडे को एंजॉय कर रहे हैं, और होम ब्लॉग के बाद हम नहीं, जब से हमने होम ब्लॉग का चैलेंज कंप्लीट किया है तब से घर का तो कुछ ब्लॉग बना ही नहीं रहे, सारी चीज बाहर का। और संडे का हमारा होम ब्लॉग रहता है तो थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। तो दादा भी संडे एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर से इतने दिनों के बाद। गुड इवनिंग, आप सभी खुश रहे, हम भी यहाँ खुश है। खुश रहे और खुश रहने दे। और बस बाकी सब समझदार हैं। हमारा फूड ब्लॉग कैसा लगा आपने को कल वाला? कल वाला फूड ब्लॉग आपने देखा नहीं? हाँ, वो बहुत बढ़िया लगा। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। इनको तो बढ़िया लगा है, और दिलीप है जो एकदम टांगे फैला के और दादी से भी मिलाते हैं। दादी है जो हमारे बना रहे खाना, एकदम किचन में मतलब तबाही मची हुई है, मतलब किचन छोटा पड़ रहा है, बाकी और भी वहाँ सक मतलब और भी चीज़ें आ सकती थी। दादी बना रहे खाना बढ़िया, और क्या बना रहे हो? दाल रोटी। दिलीप की सबसे ज्यादा फेवरेट है, दिलीप के कहने पर ही बन रही है, बाकी हमें इतना कुछ शौक नहीं। आप नहीं खाओगे इसमें? पेट तो भरना पड़ेगा खाना, बाकी इतना मतलब वो इच्छा नहीं है। तो इच्छा नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे आप? कह रहे हैं गौर से देखिए इनको, इधर देखिए, इधर पसंद जो कहेंगे वही बनाएंगे बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज दिलीप के कहने पर हो रही है, क्योंकि ननियाल आया हुआ है। दिलीप ननियाल आया हुआ, ननियाल के मजे ही कुछ अलग है, देखें आप। ओके, क्या मजे है ननियाल में, कहते हैं राता माता होंदो दो, नाना ने तो जाऊं दो राता माता होंदो, मैं इन वास्ते बच्चा नाना ने आया करे राता माता होंदो। रेडी होने में कितना टाइम लगेगा? अभी आधा घंटा, अभी भी आधा घंटा है, तब तक थोड़ा और ब्लॉग शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर यश भी बाल्टी को खींच रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह लेकर जा रहे हैं इस बाल्टी को, देख सकते हैं आप। और ये इधर विजय अपने जीत का जश्न मनाते हुए, कुछ करना पड़ेगा यार, काम तो करना पड़ेगा, ऐसा कौन रहने देगा हमें, ऐसा कौन लेकर जाता है। स्टाइल ब्रो, स्टाइल। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब करो फटाफट से, क्यों दिलीप? यस, सब्सक्राइब फटाफट से। ओकली
दादी बना रहे हैं और दादा भर रहे हैं पानी, मजे हैं। तो ये है संडे का मजा और मैं इधर बैठा हूँ आराम से, मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ। दादी बना रहे टोकरी, दाल रेडी है, इसमें टोकरी डालेंगे तो बढ़िया एकदम। आज वैसे बारिश का मौसम नहीं है मगर ठीक है, इच्छा होगी। दिलीप जो है लहसुन छील रहा है, दादी है जो टोकरी बना रहे हैं और मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ। तो दिलीप को कर रहा हूँ पॉपुलर, दिलीप छील रहा है लहसुन, बहुत ही एक्सपर्ट है इस काम को बेहतरीन तरीके से करते हुए। और सिर दिखाएं अपना एक बार, लगना चाहिए दिलीप ही है, सस्पेंस नहीं चलेगा। दादी है जो आप ही कीजिए। देखें आप दिलीप का लुक देखें, मतलब क्या खुद को करना नहीं है भाई, एकदम बॉम्ब। छोड़ो यार, तो हमने कहा था कि यार बारिश आएगी और मतलब दाल ढोकली खाने का मजा बारिश में ही है, और बारिश का इंतजार कर रहे थे और बारिश आ चुकी है। तो दाल ढोकली की इच्छा थी, अगर आपको दिख रहा होगा, मतलब भयंकर दिख रहा होगा लाइट के अंदर, बिजली भयंकर वाली कड़क रही है। आज हमने तो मतलब जो आज हमने सोचा था वही हुआ है। तो दिलीप की इच्छा थी बारिश आ जाए, और बारिश में इस चीज को खाने का मजा ही अलग है। तो आज पहली बार जो हमने सोचा है वो हुआ है, क्यों दिलीप? तो अब दाल ढोकली खाने का मजा ही कुछ अलग है। ढोकली जो है हमारी बस थोड़ी देर में लगभग तो तैयार, बस धनिया डालना है, बाकी दाल ढोकली एकदम बढ़िया तैयार है। और मौसम यार क्या मतलब क्या कहें, तो मौसम जो एकदम बढ़िया हो चुका है, एकदम बढ़िया। बहुत तेज बारिश आई है, क्या बिजली कड़क रही है। दिलीप को तो फुल मजा आ गया है, यहाँ पर मिर्ची काट रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर प्याज काट रहे हैं यशविया। इसके साथ प्याज मिर्ची और नींबू खाने का मजा ही अलग है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आगे सब बढ़िया है, यहाँ पर प्याज कट रही है, नींबू भी साथ में देख सकते हैं। हमारे जो घर के तीन मेंबर है वो बाहर गए, हमारे मौसी के घर वो गए महाराष्ट्र, तो हम चारों जने एंजॉय करते हैं दाल ढोकली को। और मौसम एकदम बढ़िया, आराम से ठंडी हवा चल रही है, पंखे के नीचे भी इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, मतलब पता नहीं चलता। और दादा के तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, दिलीप के कहने पर बनी ही नहीं है। तो खा के मजा आता है, टेस्ट कैसा है, तैयार है। और इसमें थोड़ा लेंगे घी और प्याज नींबू मिर्ची, तो खा के मजा आता है कैसा टेस्ट है। मेरी तरफ से तो टेस्ट बढ़िया है, तो अभी खा के दिखाएंगे। लेना बहुत ही बढ़िया, खा के टेस्ट बताओ यार, तुम्हारे लिए तो स्पेशल बनी है, कैसी है? Awesome. अगर इसकी मम्मी भी व्लॉग देख रही है तो देखो, मतलब दिलीप के कहने पर हमने बनाई है दाल ढोकली। तो गाइस खाना खा के ऊपर आया, बढ़िया एकदम टेस्टी खाना था, और बारिश है जो रुक गई है, तो कभी आती है कभी रुक जाती है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये व्लॉग आपको मतलब समझ नहीं आ रहा यार, बारिश का क्या ही सीन है, मतलब आ रही है जा रही है, मतलब कंटिन्यू जो बारिश है वो नहीं चल रही है, एक साथ मतलब एक दो दिन लगातार बारिश आती है ना, तो फिर मज़ा ही कुछ अलग रहता, बट थोड़ी आई रुक गई, तो यार अब गर्मी और लगती है। अगर बारिश कंटिन्यू रहती तो सही लगता है, अब गर्मी और लग रही बारिश अगर रुक गई है तो। क्या कहना चाहेगा दिलीप, टांगा सही कर ले, तो क्या कहना चाहेगा दिलीप? मतलब सब चीज सहन हो सकती, गर्मी जो है लग जाते यार। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।